एक बहुत ही यूनिक चीज़ बनाएंगे, जिसके लिए हमने 2 बड़े चम्मच मक्के का आटा लिया है। इसमें हमने पहले से 4 चम्मच मैदा मिक्स कर लिया है, और ये स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, एक हरी मिर्च। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो उसमें ज़्यादा तीखा मिर्चा भी डाल सकते हैं। इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक बैटर तैयार करेंगे। अब इसमें हम 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये खाने में ना बिल्कुल आमलेट की तरह लगता है, और ये मक्के का आटे का है और बहुत हेल्दी फूड है। और इधर तवा मेरा गरम हो चुका है, इसमें हम बटर डालेंगे। और ये जो हमारा घोल तैयार है, इसे हम 2 चम्मच तवे पे डाल देंगे और इसे कलछी की मदद से फैला लेंगे। आप इसे ज़रूर बनाएं, ये बिल्कुल आमलेट की टेस्ट का लगता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप घर पे इसे बना के खा सकते हैं, और बच्चे भी बहुत आराम से खाते हैं, और हेल्दी फूड है ये। बटर में बनाने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये हमारा वेजिटेरियन आमलेट तैयार हो चुका है। इसे हम निकाल लेंगे। आप इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं, और ये बहुत टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर आप ट्राई करें, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। इसे बच्चे भी बहुत आराम से खाते हैं।